मैडम आपके 20 रुपए हो गए। सॉरी भैया, मैं तो ना जल्दबाजी के चक्कर में वॉलेट लाना ही भूल गई। आप एक काम करिए, QR दे दीजिए, मैं ऑनलाइन कर देती हूँ। मैडम मैं ऑनलाइन नहीं चलाता क्योंकि मेरे पास फोन ही नहीं है। एक काम करिए, आप कैश ही दे दीजिए मुझे। भैया मेरे पास कैश नहीं है। ठीक है, आप जब इधर से निकलिएगा तो आप दोबारा दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं देने ही नहीं आई तो फिर वो मेरी किस्मत जाने। अगर वो 20 रुपए मेरी किस्मत में होंगे तो मुझे मिलेंगे, नहीं होंगे तो नहीं मिलेंगे। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है 20 रुपए। अच्छा ठीक है भैया, मैं चलती हूँ, मैं आपके पैसे दे दूँ। ठीक है मैडम। अरे ये लो भाई, तुम्हारे घर से फोन आ रहा है, फोन तो रख लो यार। अच्छा भाई, लो जल्दी बात करो। हेलो, हाँ बिटिया। मैं खाना बना रही थी, देखा कि दाल और चावल खत्म हो गए हैं। अब दुकान से दाल चावल दे जाओगे क्या? ठीक है बिटिया, मैं अभी सामान लेके आ जाता हूँ देने। ठीक बिटिया। भाई फोन, तुम ऐसा करो मेरी दुकान देखो, मैं अपनी बहन को सामान देकर आता हूँ। तो भैया आधा किलो चावल दे दीजिए और आधा किलो दाल दे दीजिए। अभी देता हूँ भैया। अरे भैया सामान पैक हो गया मेरा? हाँ हो गया। ये रहा आपका बिल, आपके हो गए 450 रुपए, और ये रहा आपके दाल चावल, आपके हो गए 150 रुपए। भैया लेकिन मेरे पास तो केवल 100 रुपए हैं। ऐसा करते 50 रुपए मैं कल दे दूँ। नहीं भैया, उधार नहीं दे सकता मैं। आपके पास पूरे पैसे हो तो दीजिए, तब सामान लीजिए। भैया बिना सामान के मेरे घर पे खाना नहीं बन पाएगा, और जो कल कमाई मैं करूँगा उससे मैं आपको 50 रुपए दे दूंगा। अरे भैया एक बार बोला ना, पूरे पैसे हो तो लीजिए सामान, वरना जाइए यहाँ से। ये लीजिए 500 रुपए, और भैया मेरे सामान में 50 रुपए बच रहे हैं। ऐसा करिए, इन भैया के जो 50 रुपए हैं इसमें से काट लीजिएगा। जी बहुत बेहतर है, ये लीजिए पैसे आप। ये लीजिए भैया आपका सामान, और ये आपकी दाल और चावल। भैया आपने मेरे पैसे दे दिए वहाँ पर, तो ये तो बताइए मैं वो पैसे वापस कैसे करूँगा आपको? मैं तो आपको जानता तक भी नहीं हूँ। अरे कोई बात नहीं भैया, वो क्या है ना, आपके 50 रुपए कम पड़े थे और मेरे 50 रुपए वहाँ पे ज्यादा हो रहे थे, तो बस मैंने आपकी छोटी सी मदद कर दी। इसमें क्या है, जब कभी आपके पास पैसे हों तो आप किसी की मदद कर देना, सिंपल। ठीक है भैया, भैया भगवान आपका भला करे। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे आ गए आप? हाँ, ये रहा ग्रोसरी का सामान, और मैं फल लेके भी आ गया। अरे तुम्हें पता है आज मैं ना फ्री में गोलगप्पे खा के आई हूँ। अच्छा क्या बात कर रहे हो, पर कैसे? अरे यार वो ना ऐसा हुआ कि मैं ना गई थी गोलगप्पा खाने, ठीक है, मैंने फिर अपना वॉलेट चेक किया तो उसमें ना पैसे ही नहीं थे, मैं तो पैसे ही भूल गई थी। मैंने उनसे कहा कि मैं ना ऑनलाइन पे कर देती हूँ, उन्होंने कहा मैं तो ऑनलाइन चलाता ही नहीं हूँ, और शायद इतने ज्यादा बुद्धू उन्होंने कहा कि यार तुम मुझे पैसे बाद में दे देना। अरे यार आज ऐसा कुछ मेरे साथ भी हुआ, जब मैं ग्रोसरी की शॉप पे सामान लेने गया था तो मेरे सामान में कुछ 50 रुपए बच रहे थे, और एक भैया थे उनके पास 50 रुपए कम पड़ रहे थे, तो मैंने फिर 50 रुपए से उनकी मदद कर दी। कितना अच्छा होता ना कि अगर वो भैया वही गोलगप्पे वाले होते, उनको ना उनके पैसे मिल जाते। काश ऐसा हो, पर वो भैया उनकी दुकान पे क्यों आएंगे, वो तो अपनी दुकान पे होंगे ना। चलो कोई नहीं, मैं ना जब भी वहाँ पे जाऊंगी ना तो उनके पैसे मैं उनको वापस कर दूंगी। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। It's the little things you do.